आइए अब इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स डिस्कस करते हैं। तो टू मैट्रिक्स ए इज इक्वल्स टू ए आई जे हुज ऑर्डर इज एम क्रॉस एन एंड बी इज इक्वल्स टू बी आई जे हुज ऑर्डर इज आर क्रॉस एस आर इक्वल इफ एंड ओनली इफ एम इज इक्वल्स टू आर, दैट इज द नंबर ऑफ रोज इन ए is equals to number of row in B, n is equals to s, that is the number of column in A equals to number of column in B, and Aij is equals to Bij for I is equals to 1, 2, 3 up to M and J is equals to 1, 2, 3 up to N. इसका मतलब ये हुआ कि दो मैट्रिक्स ए और बी तभी इक्वल होंगे जब उनके ऑर्डर सेम हो, दैट मीन्स वो सेम ऑर्डर के हों और उनका हर एक करिस्पोंडिंग एलिमेंट बराबर हो। जैसे मान लीजिए कोई मैट्रिक्स ए है जिसके एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, तो ये मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स बी के बराबर होगा जब बी का भी ऑर्डर 3x3 का हो। ए का ऑर्डर क्या है? 3x3, तो बी का भी ऑर्डर 3x3 होना चाहिए और इसके सारे करिस्पोंडिंग एलिमेंट, दैट मीन्स A11 किसके बराबर हो? B11 के, A12 B12 के, A13 B13, ऐसे ही सारे करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ए के सारे करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट बी के बराबर होने चाहिए। तो बी का जो एलिमेंट होगा वो होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। अब हम कह सकते हैं कि ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स बराबर है क्योंकि इसका ऑर्डर भी सेम है। 3x3 की मैट्रिक्स ए भी है और 3x3 की मैट्रिक्स बी भी है, तो ऑर्डर भी सेम है और जो एलिमेंट्स हैं वो भी करिस्पोंडिंग एलिमेंट्स वो भी सेम है। आइए एक और एग्जांपल करते हैं। मान लीजिए ए कोई एक मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट हैं 1, 2, 3, एक्स वाई जेड 5, 6, 7 और बी कोई मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, 9, 10, 11 और 5, 6, 7 और हमें ये कहा गया है कि जो ए मैट्रिक्स है वो बी मैट्रिक्स के बराबर है। तो जैसे ही हमें ये पता चलता है कि ए और बी बराबर हैं तो हम कह सकते हैं कि उनके जो सारे करिस्पोंडिंग एलिमेंट होंगे वो भी बराबर होंगे। तो एक्स किसके बराबर होगा? 9 के। वाई किसके बराबर होगा? 10 के। और जेड किसके बराबर होगा? 11 के। तो इस तरह से हमने एक्स वाई और जेड की वैल्यू फाउंड आउट कर ली जिसके लिए ए और बी दोनों बराबर थे। अब एक और एग्जांपल देखिए। मान लीजिए कोई मैट्रिक्स सी है जिसके एलिमेंट्स हैं 0, 0, 0, 0, ये एक नल मैट्रिक्स है 2x2 की। एक दूसरी मैट्रिक्स डी है जिसके एलिमेंट्स हैं 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, ये भी एक नल मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 3x3, इसका ऑर्डर है 2x2 और इसका ऑर्डर है 3x3। तो क्या सी और डी मैट्रिक्स बराबर होंगे? नहीं,
क्योंकि इसका ऑर्डर है 2x2, इसका ऑर्डर है 3x3, इसलिए सी और डी मैट्रिक्स बराबर नहीं है। सो सी इज नॉट इक्वल्स टू डी मैट्रिक्स।